संकट में जपें यह चमत्कारिक मंत्र, द्रौपदी की तरह बचाने को दौड़े चले आएंगे। श्री कृष्ण भक्ति की परंपरा में भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले भगवान हैं। योगेश्वर रूप में वे जीवन का दर्शन देते हैं तो बाल रूप में उनकी लीलाएं भक्तों के मन को लुभाती है। ब्रज मंडल से निकलकर श्री कृष्ण न जाने कब और कैसे ग्लोबल हो गए, पता ही नहीं चला। आज पूरब से लेकर पश्चिम तक हर कोई कान्हा की भक्ति से सराबोर है। चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन के समय श्री कृष्ण का जो महामंत्र प्रसिद्ध हुआ, वे तब से लेकर अब तक लगातार देश दुनिया में गूंज रहा है। इस जन्माष्टमी पर आप भी मुरली मनोहर श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उनके मंत्र के जाप की शुरुआत कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन के समय प्रसिद्ध हुए इस मंत्र को वैष्णव लोग महामंत्र कहते हैं। इस्कान के संस्थापक के श्रील प्रभुपाद जी अनुसार इस महामंत्र का जप उसी प्रकार करना चाहिए जैसे एक शिशु अपनी माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोता है। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। भगवान श्री कृष्ण के इस द्वादशाक्षर 12 मंत्र का जो भी साधक जाप करता है उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम विवाह करने वाले अभिलाषा रखने वाले जातकों के लिए यह रामबाण साबित होता है। कृष्णाय नमः। यह पावन मंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। इसके जप से जीवन से जुड़ी तमाम बाधाएं दूर होती हैं और घर परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। ओम श्री कृष्णाय शरणम। जीवन में आई विपदा से उबरने के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह बहुत ही सरल और प्रभावी मंत्र है। इस महामंत्र का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल उसी तरह मदद को दौड़े आते हैं जिस तरह उन्होंने द्रौपदी की मदद की थी। आदौ देव की देवगर्भज ननन गोपी गृह वधुधनम माया पूजनिका सुता फरणन गौवधि धनुधनम कंस छेद नन कौरवाधि नन कुंती सुपाजालनम एतत् श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम अच्युतम केशवन राम नारायणन कृष्ण दामोदरन वासुदेवम हरे श्रीधन माधवन गोपिका वल्लभ भवन जानकी नायकम रामचंद्रन भजे। श्रद्धा और विश्वास के इस मंत्र का जाप करने से न सिर्फ तमाम संकटों से मुक्ति मिलती है बल्कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सुख समृद्धि और शुभता बढ़ाने में यह महामंत्र काफी कारगर साबित होता है। अधिकम मधुवन वदमन मधुवन नलमन मधुवन हसितम मधुरम हृदयम मधुरन गमन मधुरन मधुराधिक तेरखिलम मधुरम एक वचनन मधुवन चरितम मधुवन वसमन मधुरन वलितम मधुरम चलितम मधुवन भ्रमितम मधुवन मधुराधिप तेरखिलन मधुरम दो वेणुर मधुरो रेणुर मधुर पाणिर मधुर पादौ मधुरो नित्यन मधुवन सख्यम मधुरन मधुराधिप तेरखिलन मधुरम तीन गीतम मधुवन पीतम मधुवन भुक्तम मधुवन सुप्तम मधुरम रूपम मधुवन तिलकम मधुरन मधुराधिप तेरखिलन मधुरम चार करुणम मधुवन तरुणन मधुवन हरणम मधुरन रमणन मधुरम वमितम मधुवन शमितम मधुवन मधुराधिप तेरखिलन मधुरम पांच गुणजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलन मधुवन कमलन मधुरन मधुराधिप तेरखिलन मधुरम छे गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुवन मुक्तम मधुरम दृष्टन मधुवन शिष्टम मधुरन मधुराधिप तेरखिलन मधुरम सात गोपा मधुरा गावो मधुरा यशिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितम मधुवन फलितम मधुवन मधुराधिप तेरखिलन मधुरम आठ कन्हैया की स्तुति करने के लिए तमाम मंत्र हैं लेकिन यह मंत्र उनकी मधुर छवि का दर्शन कराती है। इस मंत्र की स्तुति में कान्हा की अत्यंत मनमोहक छवि उभर कर सामने आती है। साथ ही साथ योगेश्वर श्री कृष्ण के सर्वव्यापी और विश्व के पालनकर्ता होने का भी भान होता है।